बोलो किस तरफ रवाना होना है, मैं तैयार हूं। मैं सुंदर लग रही हूं या बहुत सुंदर? ठीक लग रही हो क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं, सुंदर या बहुत सुंदर? और इस बार मुझे सही सही जवाब चाहिए। बहुत सुंदर लग रही हो। गलत जवाब। सही जवाब है सबसे सुंदर। वैसे इतने सालों बाद तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा चारुलता। छोड़ तू दे चारुलता, मुझसे जलना। मैं क्यों जलूंगी तुझसे? छोड़ो। क्योंकि मैं अकल शकल और रणनीति में तुझसे कई ज्यादा माहिर हूँ। तू कल भी मुझसे जलती थी और आज भी नहीं बदली है। बदली तो तू भी नहीं है तारा, धोखेबाज की धोखेबाज है। मट्टी के अंदर तूने मुझसे कहा था तू मेरी मदद करेगी, लेकिन बाहर निकल के तेरा ये सिमर। छोड़ो मुझे। ये नियत की नहीं उसूलों की बात है चारुलता। एक चुड़ैल सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना पुराना हिसाब नहीं। और तेरा और मेरा तो बहुत पुराना हिसाब है, भूल गई? हिसाब भी चुकता कर लेना, मगर मेरा काम करने के बाद। तुम्हें इतना बेचैन और बेबस तो मैंने आज तक नहीं देखा चारुलता। ऐसा कौन सा काम पड़ गया तुम्हें? मेरा सामना जिन लोगों से है वही लोग मुझ पे हावी हो रहे हैं। लेकिन तू तो दावा करती है ना कि तेरे आगे सब कमजोर है, तो आज ही मौका है तेरे इस दावे को साबित करने का। दिखा दे सबको कि तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। दिखा दे इस चुड़ैल लोग की हर एक चुड़ैल को कि वो सब तेरे आगे फीकी है। तू सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बता दे इन सबको और मुंह बंद कर दे इनका। साबित तो उसे करना पड़ता है जिसे खुद पर यकीन ना हो, लेकिन तारा जानती है कि वो सबसे ऊपर है। कोई इंसान कोई शक्ति तारा के आगे नहीं टिक सकती, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसे तारा उसकी जगह नहीं दिखा सकती। मैं वो तारा हूं जो चुड़ैल लोक की वासी जरूर है, लेकिन उसकी चमक दुनिया के हर रोशन कोने को अंधेरे से भर सकती है। सुना? मैं क्या? चुड़ैल लोग की हर चुड़ैल को तारा का जलवा पता है, और तू मुझे भड़का के अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। चारुलता, इंसानों के बीच रहकर तू काफी बेवकूफ हो गई है। तारा, आवाज नीचे! भूल गई किससे बात कर रही है? ये मटकियां देख रही है तू? इनमें से किसी ने भी मदद करने के लिए अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाया, सिर्फ मैंने हाथ आगे बढ़ाया। पता है क्यों? क्योंकि तारा जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती, और इसीलिए ये सारी चुड़ैलें कैद होने के बावजूद भी तारा की आजादी से डर रही थी, और इसीलिए सबके ना बोलने के बावजूद भी तूने मुझे आजाद किया है ना। ये सारी मटकियां एक तरफ और ओसवाल परिवार की बहू सिमर ओसवाल एक तरफ। इस चुड़ैल लोक में तो तुम्हारा राज चलता है, लेकिन तुम्हारी असली परख तो उसी असली दुनिया में असली मैदान में होगी, जब तेरा पाला उस इंसान से पड़ेगा
जिसका दिल जितना कोमल है उतना ही निडर भी। कोई कितना भी निडर हो, तारा की कहर के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। तेरी शक्ति का पूरा अंदाजा है मुझे, लेकिन सिमर को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं भुगत चुकी हूँ, मैं खुद देख चुकी हूँ वो किस हद तक जा सकती है। तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूँ। तारा को सलाह नहीं, चुनौतियां पसंद है, क्योंकि तारा के दिल में राख नहीं, आग है, सिर्फ आग। और बता इस चिंगारी को कहाँ लेकर जाना है। बताती हूँ तुम्हें कहाँ जाना है हमें, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि तुम उस घर में जाओगी कैसे। क्योंकि हम चुड़ैल बिना किसी के बुलाए किसी के घर नहीं जाती। इस रूप रंग को देखकर बुलावा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखना, मैं जैसे ही उनकी चौखट पर पहुंचूंगी वो खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले जाएंगे। ये है तारा का जलवा। सिमर, अगले कुछ घंटे तक ये दिए बुझने नहीं चाहिए। देखना इन दियों की पवित्र ज्वाला और इनसे निकलने वाला धुआं चारुलता को अपने काबू में कर लेगा, और उसके बाद वो माँ बेटी दोनों कुछ नहीं कर पाएंगी। ये लाल किवाड़ भी पार नहीं कर पाएंगी। बड़ी माँ,
जो मेरी आंधी को रोकने की जुर्रत कर रही है, वही जिसको तुम्हें हराना है, ओसवाल परिवार की बहू सिमर ओसवाल। बहुत पक्के इरादों वाली लड़की है ये। तो इसके इरादों को पीसकर चटनी बनाने में तारा को बहुत मजा आएगा, और अगर तारा चटनी बनाएगी तो चटनी तो तीखी बनेगी।